हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल जहां मैं आपकी होस्ट आपकी दोस्त प्रज्ञा लाई हूं आपके लिए अपडेट हमारे नेक्स्ट मैच की। नेक्स्ट क्या बल्कि कहूंगा, आखिरी मैच आईपीएल 2023 के लास्ट मैच का बेसब्री से इंतजार था हर ऑडियंस को, हर टीम को, हर टीम के सपोर्टर्स, रिपोर्टर्स, ऑपोजिशन एंड एवरीवन को। तो वो घड़ी आ चुकी है जिनका हम सब अब तक वेट कर रहे थे। आईपीएल के इस लास्ट मैच में पहुंची है अब तक सिर्फ दो टीम, ऑब्वियसली यही है डिफेंडिंग चैंपियंस एंड एट मोस्ट लीडिंग विनर्स। जीते कोई भी, हमारे लिए तो ये दोनों ही टीम विनिंग में है। तो मैं बात कर रही हूँ 28 मई शाम 7:30 बजे होने वाले मैच बिटवीन गुजरात टाइटन एंड चेन्नई सुपर किंग्स, और ये मैच होने वाला है नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद। जी हाँ, मोटेरा के इस ग्राउंड में गुजरात टाइटन्स का ये होम ग्राउंड है और गुजरात टाइटन्स हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये मैच बहुत धुआंधार खेलेंगे। जिस तरह से शुभमन गिल ने पिछले मैच में मुंबई इंडियंस के छक्के छुड़ाए हैं, वाह, शुभमन गिल का कोई जवाब नहीं। तो अब देखना ये होगा कि क्या धोनी ने शुभमन गिल को डिफीट करने के लिए कुछ नई स्ट्रैटेजी बनाई है। अगर हम सीएसके की बात करें तो पूरा का पूरा मैच में की प्लेयर्स में हमें ऋतुराज गायकवाड और शिवम दुबे की बैटिंग देखने लायक होगी। वहीं धोनी ने आई थिंक मेरे हिसाब से अब तक कुछ स्ट्रैटेजी तो बना ली होंगी ताकि वो जीटी के रन रोक सके, क्योंकि जीटी बहुत अच्छा खुद भले ही ना खेल रही हो, मगर जहां बात करें शुभमन गिल की, क्या बात है, वो खिलाड़ी पूरी टीम पे प्रेशर आने ही नहीं दे रहा और बची कुची कसर राशिद खान मानो पूरी कर ले रहे हैं। मोहम्मद शमी विकेट लेने में कमी नहीं रख रहे हैं, तो उनकी टीम नो डाउट एक्सलेंट वे में है। गुजरात टाइटंस की बात करें तो अपने ही होम ग्राउंड और अपने ही होम क्राउड के बीच में वो इस साल आईपीएल ट्रॉफी जीतने में पूरा जी जान लगा देंगे, और जिस हिसाब से उन्होंने मुंबई इंडियंस के अगेंस्ट क्या 200 के ऊपर का टारगेट दिया था, वो उस मोमेंटम को कैरी फॉरवर्ड करना जरूर पसंद करेंगे। पिच की बात करें तो बाउंड्रीज बहुत डीप है, मगर फिर भी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि एक तो 90 या 200 जैसा छोटा स्कोर तो नहीं बनेगा। यहाँ लगभग दोनों ही टीम, चाहे कोई भी पहले बैटिंग करे, 200 के ऊपर का स्कोर बनाएगी। जब बात कर रहे हैं अगर हम मुंबई इंडियंस की, जब लास्ट मैच में तिलक वर्मा और सूर्य कुमार यादव ने जो चौके छक्के मारे हैं अंडे अनलेस दे वर टोटली विकेट आउट हो चुके थे उनके, मगर तब तक तो उन्होंने बेहतरीन खेला। सेम वे में हम सीएसके जो पिछले मैच में क्वालिफायर में गुजरात टाइटन्स को हरा कर आई है, तो उम्मीद कर रहे हैं कि इस मैच में भी ये भी धुआंधार खेलेंगे। टॉकिंग अबाउट द की प्लेयर्स, अगर सीएसके की बात करें तो ऋतुराज गायकवाड, शिवम दुबे, वही रविंद्र जडेजा एंड थीक्षणा पथिराना, वहीं अगर हम बात करें हमारी गुजरात टाइटन्स की, शुभमन गिल, हार्दिक पांड्या, राशिद खान, मोहम्मद शमी। टाइम फॉर प्रेडिक्शन, आईल से गुजरात टाइटन्स विल डिफीट सीएसके। फॉर मोर अपडेट, फॉर मोर इन्फॉर्मेशन की फॉलोइंग करेंगे ऑन माय स्क्रीन बिलो।